इंडियन क्रिकेट टीम के बैटिंग ऑर्डर की जब भी बात होती है तो विराट कोहली और रोहित शर्मा की बात तो सब करते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में एक ऐसा नाम जो हर कोई भूल जाता है वो है शिखर धवन का। शिखर धवन का जो ओडीआई रिकॉर्ड है वो अपने आप में कहता है कि वो भारतीय वनडे टीम की रीढ़ की हड्डी हैं और वो सबसे मजबूत बल्लेबाज यकीनन हैं। बेशक आपको उनका प्रदर्शन बांग्लादेश के खिलाफ देखने को ना मिले, बेशक श्रीलंका के खिलाफ देखने को ना मिले, लेकिन जब बारी आती है प्रेशर्स गेम की और खुद शिखर धवन के ऊपर प्रेशर आता है तो वो बड़ी टीमों के खिलाफ हमेशा ही रन बनाते हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे साउथ अफ्रीका, चाहे इंग्लैंड। शिखर धवन का बल्ला इन बड़ी टीमों के खिलाफ खूब गरजता है। और एक शिखर धवन की खासियत है जो शिखर धवन के बारे में सब मानते हैं कि वो कभी भी अपने लिए नहीं खेलते, चाहे कितना भी प्रेशर रहा हो टीम पर, शिखर धवन कभी भी अपनी जगह बचाने के लिए खेलते नजर नहीं आए। जबकि और बाकी कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी जगह बचाने के लिए कई बार खेलते हैं, लेकिन शिखर धवन के बारे में सब क्रिकेट पंडित मानते हैं कि जब चाहे शिखर धवन के ऊपर कितना भी प्रेशर क्यों ना हो वो हमेशा टीम के लिए ही खेलेंगे। अभी उनके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर था कि उनकी जगह केएल राहुल खा जाएंगे और शिखर धवन वनडे और टी20 की टीम से बाहर हो जाएंगे, टेस्ट से पहले ही हो चुके हैं, लेकिन शिखर धवन ने अपनी वापसी में बता दिया कि वो क्यों उनको शिखर धवन कहा जाता है और क्यों वो इस दुनिया के टॉप ओपनर में से एक हैं और क्यों वो इस दुनिया के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिस फॉर्म में दिख रहे हैं शुरुआती दो वनडे में, एक बात तो साफ कर दी शिखर धवन ने कि वो अपनी जगह अगले दो साल के लिए तो कम से कम किसी को नहीं दे रहे और वो 2021 में इंडिया में होने वाला T20 वर्ल्ड कप जरूर खेलेंगे। कुछ लोग शिखर धवन को स्लो बल्लेबाज कहते हैं, लेकिन अगर करियर स्ट्राइक रेट की बात करें वनडे मैचों में तो रोहित शर्मा का 90 से नीचे है वनडे क्रिकेट में, विराट कोहली का 90 के पास है, जबकि शिखर धवन का इन तीनों में सबसे ज्यादा है जो कि 94 है। शिखर धवन ने 5,900 गेंदों में 5,600 रन बना रखे हैं वनडे क्रिकेट में, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। 95 का स्ट्राइक रेट, करियर स्ट्राइक रेट और ऊपर से 40 से ऊपर का औसत। अगर किसी और देश से कहें कि आपको एक ऐसा ओपनर मिलेगा जो 90 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से रन बनाएगा और 40 के ऊपर की उसकी औसत होगी तो कोई भी हाथों हाथ ले लेगा, और ये क्वालिटी शिखर धवन में कूट कूट के भरी है। शिखर धवन ने 2004 में ही अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप खेल लिया था, लेकिन इसके 9 साल बाद उनके इंटरनेशनल करियर को पंख लगे जब 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने ओपनिंग की और वहां पर उन्होंने बता दिया कि वो आने वाले 3-4 ICC टूर्नामेंट के मैन ऑफ द ICC टूर्नामेंट बनकर दिखाएंगे अपनी टीम के लिए और बेहतर प्रदर्शन करते रहेंगे, और आज भी शिखर धवन का ये सिलसिला ऐसे ही जारी है। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, आगे भी इसी तरह की देश दुनिया और खेल की खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।